तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा होगा, जब पता चलेगा तुम्हें मेरा एक बच्चा, मुझे बच्चा चाहिए, स्कूल चलाने का शौक है। पान लाशें गिरेंगी यहाँ पे, चलो बाहर जोली का स्कूल पे। कितने साल का बच्चा था आपका जी? सवा तीन साल का बच्चा था। स्कूल पे स्कूल पे कार्ड नहीं था, गेट पे छुट्टी होने के बाद बच्चा बाहर भाग गया। किसकी जिम्मेवारी है? केवल पैसे का बच्चे मतलब होता है इनको। कार्ड नहीं था, पूरी गलती स्कूल वालों की है। एक दिन लेट हो जाती है फीस तो तुरंत पेनल्टी लगा देते हैं। बच्चे की जिंदगी का सवाल है, बच्चा तो चला गया, अब कौन देगा बच्चा मेरा? प्ले ग्रुप में था, जब तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा होगा, जब पता चलेगा तुम्हें मेरा एक बच्चा, मुझे बच्चा चाहिए, स्कूल चलाने का शौक है। लाशें गिरेंगी यहाँ पे, चलो। स्कूला दिया लापरवाही दिया खबरां तो सामने आउंदियां ही रहिंदियां ने। स्कूला दी लापरवाही ने तो हद ही मचा रखी है। किते स्कूल दी वैन सड़ के सवाह हो जाती है, ते किते टीचरां वल्लों बच्चियां नूं टॉर्चर किया जाता है, ते किते स्कूला दीआं गैर जिम्मेवाराना हरकतां करके मासूम बच्चे आपदी जान गवा बैठदे ने। घटना लुधियाना दे सरस्वती मॉडर्न स्कूल दी है, जिथे स्कूल दे गेट ते सिक्योरिटी गार्ड ना होण करके 3.5 साल दा बच्चा स्कूल दे गेट तों बाहर भजदा है, ते जिस दी इक वाहन थले आउण करके मौके ते ही मौत हो जांदी है। इनकी रेड़ मार देगा खड़े खड़े, समझते क्या है? मिडिल क्लास फैमिली के समझते हो मैं? कार्ड जोड़ी का स्कूल पे। कितने साल का बच्चा था आपका जी? सवा तीन साल का बच्चा था जी। कार्ड नहीं था स्कूल पे, स्कूल पे कार्ड नहीं था, गेट पे छुट्टी होने के बाद बच्चा बाहर भाग गया। किसकी जिम्मेवारी है? पैसे का बच्चे मतलब होता है इनको। कहीं ना कहीं स्कूल वालों की गलती है, कहीं ना कहीं गार्ड नहीं था, पूरी गलती स्कूल वालों की है। एक दिन लेट हो जाती है फीस तो तुरंत पेनल्टी लगा देते हैं। बच्चे की जिंदगी का सवाल है, बच्चा तो चला गया, अब कौन देगा बच्चा मेरा? क्या नाम है बच्चे का? विदित श्रीवास्तव। फोटो दिखा सकते हैं क्या उसके बच्चे के? छोटे कौन सी क्लास में था? एक मिनट, प्ले ग्रुप में था। वर्मा जी, जब तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा होगा, जब पता चलेगा तुम्हें मेरा एक बच्चा, मुझे बच्चा चाहिए, स्कूल चलाने का शौक है। यहाँ पे देखना, 5 लाशें गिरेंगी यहाँ पे, चलो अभी तो लाशें गिरेंगी यहाँ पे। ठीक है, अचानक ही आगे सामने मोटरसाइकिल होता है, सही तरीके से कुछ नहीं लगता वहाँ पे। दो तीन बार मैम को भी बोला, मैम यार तरीके से लगा लो, छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को इधर एक एक्टिवा होने की वजह से बच्चा इधर स्लिप हो गया, इधर कोई था नहीं, गार्ड वार्ड था नहीं, और बाकी दो बच्चे तो उनको मैंने आठ में बैठा दिया। ये इधर अभी मेन गेट था नहीं, कोई संभाल लेने था, मैं तो अपनी लाइन बनवा के निकाल के लेके जा रहा था बच्चों को स्कूल तो लेके अपना गड्डी आई, फेंट मारी है, फेंट मार के तो चल गई गड्डी, तो वह नंबर पढ़ गया था, हम नंबर पहले इन्हें कमूटी कार्य करके नंबर कढ़ा के नंबर रेस्ट नंबर जल्दी जल्दी तो अब तफ्तीश के जो आएगा वे खिलाफ शुरू है, अगर तो मुझली जाँच शुरू हुई है। ठीक है जी, बॉडी का पोस्टमार्टम करा के सारा कुछ तफ्तीश में जो तफ्तीश के गलबात सामने आई। कदों तक प्रशासन स्कूलों की लापरवाही अणगहला करता रहेगा? होर किन्ने कु माँ प्यो आपदे बच्चों स्कूलों की लापरवाही करके गवाउंदे रहेंगे? हर एक माँ प्यो नूं उन्हां मासूम बच्चों के लिए सच की आवाज़ बन के बाहर आना पेगा, ताकि कोई होर मासूम बच्चा स्कूलों की लापरवाही के हत्थे ना चढ़ सके। जे अज नहीं तो कदे भी नहीं। सानू स्कूलों की लापरवाही से गैर जिम्मेवाराना हरकतों के ठल पाने प्रशासन जगाने की जरूरत है, ते पंजाबी टीवी हमेशा सच की आवाज़ बन के सामने आऊगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी टीवी।